मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवरिया के नारायण प्रसाद शाही इंटर कॉलेज में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा में कहा कि मध्य प्रदेश की मामा बानी तर रहुआ सबके भी मामा बानी। कहा कि देश प्रदेश का कल्याण मोदी और योगी कर रहे हैं, मोदी और योगी की जोड़ी बड़े भाग्य से मिलती है। डबल इंजन की सरकार यूपी को कहां से कहां ले गई। मोदी योगी गरीबों का घर बनाते हैं। सपा सरकार में अत्याचार था, अन्याय था। मोदी जी और योगी जी मिलकर उत्तर प्रदेश को कहां से कहां ले गए। मोदी जी और योगी जी, ये डबल इंजन की सरकार है। 2013-14 में यहां केवल बजट था, 2013-14 में यहां खर्चा हुआ था 66,623 करोड़, अब 1,46,500 करोड़ रुपया। सुन लो बाबू अखिलेश, पहले देश में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 7वें स्थान में थी, आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर है, बहुत जल्दी पहले नंबर पर हो जाएगी। मोदी जी और योगी जी दोनों ने मिलकर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया, गोरखपुर एक्सप्रेस बनाया, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया, 1,82,00,000 घरों में बिजली पहुंचाई, तो मोदी और योगी जी ने पहुंचाई। अखिलेश के राज में कभी बिजली आती थी क्या? बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी, बिजली नहीं आती थे, बिजली के बिल आते थे। अगर गरीब के घर में उजाला किया तो मोदी जी ने किया, योगी जी ने किया। और मेरे बहनों और भाइयों, मेरी बहनें बैठी है, बताओ कभी सपा ने बसपा ने कांग्रेस ने गरीब के घर बनवाए क्या? ये अपना घर भरने वाले सपा वाले नहीं कर सकते, बसपा वाले नहीं कर सकते, ये चमत्कार मोदी जी और योगी जी की सरकार ही करेगी।